अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम इकबाल अहमद है, मैं बेंगलोर में कोरमंगला में रहता हूँ और मैं भारत फर्स्ट जो मुसलमानों का एक इंटेलेक्चुअल सेल है जो आरएसएस के साथ में कोऑर्डिनेट करके और इंद्रेश कुमार जी है उसके हमारे हेड है, उनके अंडर में हम लोग जो भी रहेगा हमारा रिप्रेजेंटेशन ऑन बिहाफ ऑफ मुस्लिम्स, उनके प्रॉब्लम्स जो भी है हम लोग उनके साथ में डिस्कस करते हैं हमेशा। और ये भारत फेस्ट का मैं ऑल इंडिया का को कन्वीनर हूँ और कोर मेंबर भी हूँ कोर कमेटी का। हमारे जो बॉस है एक कन्वीनर हिराज कुरैशी बल्कि दिल्ली में है, वो सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट हैं और इनके वालिदा वगैरह सब मजिस्ट्रेट्स हैं। हमारा मेन मकसद ये है कि भी आज मुसलमानों की जो प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम को डायरेक्ट हम आरएसएस वालों के साथ में लेके जाके डिस्कस करके हम लोग बताते हैं एक्चुअली ऐसा प्रॉब्लम है, इसको कैसा फेस करना, कैसा इसे कम बाहर आना। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी बातों को वो लोग ज़्यादा तवज्जो देते हैं। मैं इस ऑर्गेनाइजेशन में 7 साल से हूँ। पहले ये हमारा नेशनल इंटेलेक्चुअल सेल बोल के था, उसके बाद में फिर MRM के साथ में कनेक्शन करो बोले, बाद में फिर बाद उन्होंने सजेस्ट किया नहीं अब पॉलिटिकल पर नॉन पॉलिटिकल पार्टी है आप भारत फर्स्ट भरो बोल के। भारत फर्स्ट हम 2 या 3 साल है हमारा, हम पूरे जितने हैं इसमें हम लोग इंडिया में एक अराउंड 20 मेंबर है हम लोग टोटली कोर कमेटी के और 4 को कन्वीनर है, 1 कन्वीनर है। हमारा अभी क्या है मनसूबा कि हम हर स्टेट में हर डिस्ट्रिक्ट में मुस्लिम इंटेलेक्चुअल्स को जमा करके बैठ के हम लोग डिस्कस करके हमारे जो भी प्रॉब्लम्स रहते हैं पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स रहते हैं कुछ भी रहने दो आरएसएस वालों के साथ में हमारे प्रेजेंट रिप्रेजेंटेशन देंगे हम लोग इन द फॉर्म ऑफ रेजोल्यूशन पास करके उनको देके हम लोग हमारा जो प्रॉब्लम्स है हम लोग डिस्कस करेंगे उनके साथ में। तो इंशाल्लाह हमारे प्रॉब्लम वो सुनते हैं हमारे, आप जहाँ तक मेरा ताल्लुक है वो हमारे हर प्रॉब्लम को सुनते हैं और हमारा हर प्रॉब्लम अटेंड करके हम लोग सपोर्ट करते हो। तो अभी रिसेंटली क्या प्रॉब्लम्स आपने बताए रिसेंटली 2-4-6 महीने में 1 साल में क्या क्या जैसा मिसाल के तौर पर अभी रिसेंटली 2-4-6 महीने में हमारा वहाँ पे जैसे UP में मदरसों पे मतलब रेड शुरू हो गए, सर्वे शुरू कर दिए, कॉमन सिविल कोड के लिए बात करना शुरू कर दिए, तो मतलब हिजाब के बारे में बात किए, ये सब चीज़ें भी हम लोग उनसे डिस्कस करके बात कर रहे हैं। वो लोग हमारे से अग्री हैं, हम लोगों को हम उनको ओपनली बोले कि भाई आप मदरसों का सर्वे करो, आपको कोई ऑब्जेक्शन नहीं, लेकिन सर्वे करके जो भी मदरसे मतलब वर्थ है उन मदरसों को आप लाइसेंस देके उन लोगों को गवर्नमेंट से हेल्प करके उनको को एजुकेशन ऐसा डेवलप करो सिस्टम में जिससे सो दैट यू नो अरबी के साथ साथ दूसरा एजुकेशन भी उनको मिलना चाहिए। तो हिसाब से आप थोड़ा हमको सपोर्ट करो बोल के हम लोग बात की, वो कर रहे हैं वही अल्हम्दुलिल्लाह, वो हमारे खिलाफ़ में नहीं है और हम भी चाहते हैं कि भी चलो आप जिसे भी वोट देते हैं हमारे मुसलमान लोग, हम लोग कैंडिडेट को देख के कौन अच्छा है, कौन हमारे लिए हम काम कर सकता है, कौन हमारी खिदमत कर सकता है, उसको हम लोग इलेक्ट करने से हमारा फ़ायदा रहेगा। ये हमारा हम लोगों को अब हमारे मुसलमानों से ये अपील है कि हम लोगों को पॉलिटिकल पार्टी मत समझिए और हम लोगों को डायरेक्टली ये नहीं समझना हम लोग आरएसएस की एजेंट है या आरएसएस की है बोल के नहीं। हमारा मेजर को ये है कि हम मुसलमानों के प्रॉब्लम डायरेक्ट हम लोग इनके पास डिस्कस कर सकते हैं। इसमें किस हद तक कामयाबी मिली है आपको? अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो जैसा हर मामले में हम लोग को कामयाबी मिला है। हिजाब के मामले में मैं खुद मेरे मिसेज के थ्रू मैं IA-6 फाइल किया, मैं स्टेटस को मेंटेन करने के लिए बात की हम लोग, वो RSS वाले भी खुश है उसको देख के, बोलो बहुत अच्छा हुआ आपका। ये क्या ये था उसमें आपका स्टेटस को मतलब जैसा पहले चलते आ रहा है जैसे चल रहा है इसको हिजाब के हक में थे आप? हिजाब के हक में नहीं, हिजाब जो स्टेटस को जैसा चल रहा है उसी साथ मतलब हक भी था स्टेटस को जैसा है वैसा मेंटेन करो। जो स्कूलों में पहले जाते थे बच्चे उस तरीके से उसे मेंटेन करो बोल के हम क्या आते थे कैंडिडेट आते थे सोनली माई में फेल किया। तो यहाँ पे हमारे एल एन एगे सब हैं उनको मालूम है, वो सब वो खुद खूब बैठ के करें अलग सपोर्ट करते हैं। अभी आपको लास्ट छोटा क्वेश्चन ही, अभी आपकी अपील क्या है मुसलमानों से? मेरी अपील ये है कि भी चलो हम लोग
ये हमारे बड़े भाई जैसे भी है, इन लोगों के साथ में हम मिल के काम कर लेंगे तो अच्छा रहेगा हम लोगों को, नहीं तो बहुत तकलीफ होगी। कौन बड़े भाई? अभी देखो जो डिसाइड किए मेजॉरिटी जो डिसाइड करती है वो फाइनल होता ही है, हम कितना लड़ने के बाद जो भी होता ही है। इसके लिए अभी लड़के क्या फायदा, हम लोग प्यार से मना के लेंगे काम, झगड़ा करके जीत से ये करके लेने से अच्छा इनके साथ में मिल के प्यार से मिल के बात करके ये करेंगे, इंशाल्लाह हमारा मतलब फायदा होएगा। मैं हमारा ये जहाँ तक 6-7 साल के एक्सपीरियंस में इतना ये लग रहा है कि हमको इनसे फायदा जरूर मिलेगा, हमसे नुकसान नहीं होएगा। तो साउथ इंडिया में किसी ऑर्गेनाइजेशन साहब का कोई डिस्कशन सिलसिले में हुआ था? नहीं, हम लोग शुरू करे अभी भी एक सेमिनार वगैरह छोटे कर रहे हैं हम लोग। अब जैसे हमारे शाहिद भाई, रफीक भाई, ये सब लोग जानते हैं, हम लोग करते आ रहे हैं पिछले 2-3 साल से कर रहे हैं हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह। तो इंशाल्लाह आप डेवलप करेंगे। अभी हमको चाहिए थोड़ा इंटेलेक्चुअल साहब भी थोड़ा हमको हेल्प करो, सपोर्ट करो, मुस्लिम इंटेलेक्चुअल हमारे साथ में जाने हैं तो हम लोग मिलेंगे, एक टीम बन के काम करेंगे। क्योंकि हम लोग लेटेस्ट नॉट हमें एक पॉलिटिकल विंग नहीं बनेंगे, हम लोग एक इंडिपेंडेंट विंग बन के हेल्प करके हम लोग बात करेंगे सब चीज़ें। अब क्योंकि RSS के बारे में सबके बारे में सबको बुरा ये है तो हम लोग उनके साथ में बात करेंगे, बात करके बोले आप लोगों के बारे में हम ऐसा सुने ऐसा बोल के अब सब जितने इंटेलिजेंस मिलते हैं उनके बात करेंगे हम लोग जितने। मुझे तो नहीं लगता RSS मुसलमानों के खिलाफ है, ऐसा नहीं लगता मुझे, जानता मतलब इनसे इतना पर्सनल इंटरेक्शन करेंगे। दे वॉन्टेड टू सपोर्ट मुस्लिम्स। कितने सालों से आपका कॉन्टेक्ट है? 7 साल से हम लोग हैं, हमारा शिराज कुरैशी कम से कम 30-35 साल से उनके साथ में है। सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट नाटी से ग्वालियर में ग्वालियर बेस्ट थी।